काफ़ी दिनों के बाद और एक नया वीडियो के साथ यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर गार्डनिंग चैनल प्रमोद उद्यान। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ नया टिप्स नहीं था शेयर करने के लिए, इसीलिए मैंने नहीं आया था। और थोड़ा पढ़ाई में बिजी रह गया था, इसीलिए भी नहीं ला पाया था। तो मैं अपनी DIY प्लांटर के गार्डन में थोड़ा कुछ बदलाव किया है, थोड़ा वर्क किया है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो रोज़ की प्लांट में बर्ड्स आया था, ये अभी खिल गया है। हमारा यहाँ तो पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छा खासा बारिश हो रहा था, इसीलिए ये प्लांट इतना ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। क्योंकि इनको थोड़ा सा मौसम में जो होता है ह्यूमिडिटी चाहिए था, क्योंकि हमारा यहाँ एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म हो चुका था। और एक ये भी देखिए, ये एक दूसरा कटिंग लगाया था इस वाले जो पैकेट में, और इसमें भी ये जो बर्ड्स है ये अगले 2 दिन में खिलने वाला है। और ये भी मुझे दिखता है कि ये भी रेड कलर का होगा। तो फ्रेंड्स, एक चेंजेस आया है इस वाले प्लांटर में। देखिए, मेरे गांव के जो प्लांट था उसी का कटिंग से मैंने ये प्लांट तैयार किया था। पर गाँव में जो कलर से फूल खिलता है कुछ इस तरह से नहीं, वो तो थोड़ा रेड कलर में खिलता है, पर ये वाला जो पिंक कलर है उसका वेरिएशन हुआ है और ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो मुझे तो देख के बहुत ही खुशी आ रहा है, पर थोड़ा सरप्राइज हो गया हूँ कि एक ही प्लांट से कैसे इतना वेरिएबल कलर आता है। अगर आपके प्लांट में भी आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलते हैं अगले प्लांट की तरफ। और आज थोड़ा धूप निकला है तो ये काफ़ी खुश मिजाज से उस धूप को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, इस वाले टटल भर के प्लांटर में सिर्फ एक ही प्लांट बचा है, बाकी गल गए हैं। ये सारे वांडरिंग जीव तो अभी जब बिल्कुल रेनी सीजन हो जाएगा तब इनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो ये इसी समर सीजन में ऐसे ही छोटे मोटे होके रहेंगे। और इस वाले देखिए, रोइे के प्लांट में काफ़ी बेबी प्लांट्स जो निकल रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है इस इतना छोटा सा प्लांटर में कितने सारे प्लांट हो सकते हैं, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पे देखिए, ये टटल वाइन के 2 बाल जो निकल आए हैं। और यहाँ पे ये मनी प्लांट का, जो मैंने मनी प्लांट को ट्रेल कर दिया था इस वाले स्नेक प्लांट के ऊपर, इसमें से भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पे भी इसमें भी इस वाले रोइे के प्लांट में भी बेबी प्लांट निकल आ रहे हैं। ये तो बारिश में गिर गया था ये वाला प्लांटर। और एक नया चीज़ हुआ है, देखिए यहाँ पे जो बासिल का प्लांट था इसका मैंने टब से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दिया था, तो इसमें काफ़ी नया ब्रांचेस जो दिख रहा है मुझे निकल आया है। तो देखते हैं कितना अच्छा ग्रोथ ये ले पाता है। सो जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। और ये भी वांडरिंग जीव का और एक प्लांटर है। और ये एक नया काम हुआ है, जो मेलीबग का अटक हुआ था मेरे पर्सलेन के प्लांट के ऊपर, उसमें कोई भी फूल नहीं आ रहा था। तो देखिए, ये सारे प्लांट को मैंने हटा चुका हूँ, सिर्फ 2-3 कटिंग लगा के रखा हूँ। तो इसमें जब नया ग्रोथ आ जाएगा तो शायद इसमें बहुत अच्छा फ्लावरिंग हो जाएगा। और ऊपर ये वाले भी तो वैसे ही पड़े हैं, इसमें अच्छा ग्रोथ तो नज़र नहीं आ रहा है, पर हरा भरा दिख रहा है। सिर्फ इसी वाले प्लांटर में अच्छा ग्रोथ निकल रहा है। तो देखिए, सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर बहुत ही कम हो गए हैं, तो अगले पिछले 2-3 दिनों से 2 महीने से हमारा सब्सक्राइबर का जो नंबर है वो काफ़ी कम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर शेयर करना और सपोर्ट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रमोद उद्यान।